लंदन में एंड ये मेरी सेकंड फिल्म है. तो आगे का क्या प्लान है और श्रेय जी को कितना मानती हैं सम्मान देने के लिए? ऑफ कोर्स मैं तो लाइक इतनी ज्यादा खुश हूँ और उनके शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया वो भी दिनेश जी के साथ एंड लाइक आई एम सो हैप्पी. श्रेय जी आप कितना खुश हैं? मुझे अच्छी हीरोइन मिली तो मैं तो खुश हूँ. डेफिनेटली जिस तरह का कैरेक्टर है वो महिमा पे जाता है तो डेफिनेटली आई एम हैप्पी. दिनेश लाल यादव हीरो हीरोइन अक्षरा जी क्या दोनों को आप संभाल पाएगा? वो दोनों एक दूसरे को संभालेंगे. मुझे नहीं संभालना है. जो रोल है दोनों पे एकदम सही जाता है और दोनों प्रोफेशनल एक्टर्स है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संभालने की बात आएगी किसी को. लंबे अरसे के बाद आप फिर से भोजपुरी में लौटे हैं, क्या कुछ कारण रहा गैपिंग का? बस कुछ अच्छा सब्जेक्ट, कुछ अच्छे स्टार्स नहीं बन रहे थे बनाने के लिए इसलिए नहीं बनाए. अब लग रहा है कि बनाना चाहिए तो फिर से वापस आ रहे हैं. पहले आपकी कौन कौन सी फिल्में आ जाइए जरा नाम बता दीजिए. पहले मेरी भोजपुरी में एक चिंगारी बनाई थी मैंने और उसके बाद ये वाली पिक्चर है. और ये शूटिंग कहाँ करने वाला, कब से होगी इसकी? ये रायबरेली में हो रही है, लखनऊ के पास, 20 तारीख से. और उसके बाद हम लोग लखनऊ में करेंगे 10-12 दिन बाद. पूरा यूपी में ही हमारा शूट है, लखनऊ के आसपास. फिल्म के कलाकार की बात करें तो कौन कौन से कलाकार अभी तक फाइनल हो चुके हैं इसमें? जैसे अक्षरा है, महिमा है और शंकर मिश्रा है, टेलीविजन के अच्छे एक्टर हैं वो भी हैं. बाकी यूपी के बहुत सारे कलाकार हैं इसमें, अभी दीपक भाटिया जी भी हैं. तो फिल्म के डायरेक्टर केडी जी हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं. हाँ केडी जी तो बड़े डायरेक्टर हैं, सबको पता है, निरहुआ रिक्शा देने वाले हैं तो है. इस बार भी कमाल करेंगे. अभी तक कितना उन्होंने परेशान किया आपको? परेशान शायद मैं उनको करता हूँ, वो नहीं करते. सर अभी तो अभिनेता के तौर पे लगते हैं आपकी जो व्यक्तित्व है उसके नाम उठाइए अभिनेता के तौर पे अपने को. नहीं एक्चुअली मैं हूँ डायरेक्टर. हाँ. एक्टर मैंने किया है भोजपुरी चिंगारी में, मैंने नेगेटिव की थी. अच्छा. लेकिन अभी इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ प्रोड्यूस करूँ पिक्चर. जो बड़ी पिक्चर है, काफी लोग हैं तो एक ही काम करना जरूरी है. भोजपुरी में म्यूजिक बहुत मायने रखता है, क्या कुछ खास तैयारी म्यूजिक के लगे? म्यूजिक में हमने सारा अपना जिम्मेदारी ओम झा को दे दी है. उन्होंने काफी हिट फिल्में दी हैं, हिट गाने दिए हैं तो मेरे हिसाब से वो अच्छा काम करेंगे. मैम आप कुछ कहना चाहेंगे दिनेश जी के बारे में? कुछ दिनेश सर को कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच. लाइक हम उनके साथ काम कर रहे हैं, काम बहुत अच्छा हो, हमारी फिल्म हिट जाए और आज हमारा मुहूर्त है. सो कांग्रेचुलेशन टू हिम. अक्षरा जी हीरोइन है, अभी हीरोइन है जी. तो क्या दोनों में ट्रेनिंग बैठेगी? ऑफ कोर्स बैठेगी, क्यों नहीं बैठेगी. शी इज एक्टर, आई एम आल्सो एक्ट्रेस. सो लाइक एक्टर की ट्रेनिंग तो हमेशा बैठती है और इस बार भी बैठेगी और बहुत अच्छी बैठेगी. लेकिन हिंदी फिल्मों में अगर दो एक्ट्रेस रहती हैं, कोई भी फिल्म हो, तो इतना आसान नहीं होता दोनों में ट्यूनिंग जमना, मतलब. और अक्षरा जी एक नामी ग्रामी मतलब एक्ट्रेस, उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं कि जितने बड़े एक्टर होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, वो डाउन टू अर्थ होते हैं, राइट. सो मैंने जहाँ तक उनको देखा है, ऑब्जर्व किया है, शी इज रियली गुड, शी इज रियली काइंड. सो लाइक हमारी ट्यूनिंग बहुत बैठेगी, आई फील लाइक. थैंक यू सो मच. थैंक यू.